और कुछ मुद्दों पर उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले बढ़ती हुई महंगाई के बारे में जानेंगे। जो टमाटर के भाव है वो आसमान छू रहे हैं, इसे लेकर क्या सोच सकते हैं आप? नहीं, महंगाई कम, महंगाई तो तब होती है जब लोग सड़कों को उतरते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आम लोग उस चीज़ पे बातचीत करते हैं, कोई बात करने को तैयारी नहीं। महंगाई कहाँ पर, महंगाई कोई, महंगाई तो अब एक ऐसी चीज़ हो गई जिसको महसूस किया जा सकता है। महंगाई कभी किसी को दिखाई नहीं देती। सरकार ने कह दिया है कि आप लोग जो हैं महंगाई को महसूस कीजिए अगर हो रही है, लेकिन महंगाई के लिए सरकार को काम नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के हाथ में महंगाई को रोकना है ही नहीं। सरकार ने तो सब चीज़ें छोड़ दी, सरकार ने LIC छोड़ दी, सरकार ने एयरलाइन छोड़ दी, सरकार ने रेलवे स्टेशन छोड़ दिए, ट्रेन छोड़ दी, सब डिपार्टमेंट सरकार छोड़ती चली जा रही है और प्राइवेट लोगों के पास जाते जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी फोर्सेज में भी प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो गया है, वो भी सही है। कुछ देखिए ऐसा है कि अभी हमारे DRDO को चीफ थे, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में उनकी चैट आई है पूरी। इस चैट्स में उन्होंने जो पाकिस्तानी लड़की है वो उनसे ब्रह्मोस के बारे में, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, अग्नि के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं तुम्हें सारी सूचनाएं दे रहा हूँ। तो वो भी मोहब्बत कर रहे थे। तो मोहब्बत आप करेंगे और कानून नहीं मानेंगे, तो अगर इस देश में ऐसा होता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और करिए, आप देश को बर्बाद कर दीजिए बिल्कुल। लेकिन बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के वो हिंदुस्तान की सीमा लांघ करके ऐसे दाखिल हो जाना, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ना कोई गलती आपको नजर आ रही है, ऐसे तो कोई भी हिंदुस्तान में एंटर कर सकता है, कोई पूछताछ नहीं की गई। भाई आप अगर ऐसा कोई उल्लंघन करके आता है भारत में, घुसपैठिया है, अगर कोई मुसलमान अंदर आ जाएगा तो आप उसको घुसपैठिया घुसपैठिया और रोहिंग्या बांग्लादेशी करके आप उस पर सारे इल्जाम लगा देंगे और उसको बंद कर देंगे। होता वो मजदूरी के लिए आया हो तो आप उसकी मजदूरी की बात भी नहीं सुनेंगे, उसकी मजबूरी की बात भी नहीं सुनेंगे। यहाँ पे वो दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल से वो बॉर्डर के तारों से नीचे से गुजरती हुई आराम से आ जाती है, कैसे आती है हमें नहीं पता। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे क्या कर रही हैं, इसका जवाब कौन देगा? अगर ये मैसेज जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है बात, ये तो बड़ा ख़तरनाक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है भारत का, कि भारत के बॉर्डर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई भी कहीं से आ सकता है। वो पांचवी फेल जो बता रही है अपने आप को, वोट के कहीं से भी कहीं आ सकती है। तो अगर वो मोहब्बत का मैटर है तो उसको उसने कानून तो तोड़ा है, तो आप उसको रिपोर्ट करिए। और अगर वो मोहब्बत का मैटर जो जैसे उसकी बातों से, उसकी ज़बान से, उसके लहजे से जो लग रहा है कि ये मोहब्बत का मैटर नहीं है, ये तो हनी ट्रैप का मैटर है, तो आप उस पर तो जाँच करिए, उस पर कड़ी कार्रवाई करिए, उस पर तो UAPA लगना चाहिए। ऐसे तो जब तक आप एक मिसाल कायम नहीं करेंगे, क्रिमिनल्स को और देश विरोधी लोगों को एक मैसेज नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा, मुल्क मजबूत। फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोल लेती हैं, पाकिस्तान की होने के बाद भी वो इतनी जबरदस्त हिंदी कैसे बोल लेती हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा है, अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। देखिए, जैसे हम उत्तर भारत के लोग हिंदी बोलते हैं, तो हरियाणा के जो लोग हिंदी बोलते हैं उनका एक लहजा होता है, उसमें एक हरियाणवी एक्सेंट आ जाता है। जब पश्चिमी यूपी की तरफ आते हैं तो वो भी हिंदी बोलते हैं, उनके अंदर वो एक्सेंट आ जाता है। जब हम ऐसे ही भोजपुरी इलाके की तरफ पहुंचते हैं, बिहार की तरफ पहुंचते हैं, तो वहाँ के जो लोग हिंदी बोलते हैं तो उसमें भोजपुरी एक्सेंट आ जाता है, लहजा आ जाता है। ये बड़ी अजीब बात है, ये सिंध की रहने वाली लड़की थी और उसके उर्दू तो बोलेगी ना, वो उर्दू वो पंजाब का रहने वाला उर्दू बोले या सिंध का रहने वाला उर्दू बोले या खैबर पख्तून का रहने वाला उर्दू बोले, तो उर्दू तो बोलेगा, उसमें उसका एक्सेंट होगा। ये ऐसे बोल रही है कि इसके पास उर्दू है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक संवाददाता ने उनसे सवाल किया, सीमा हैदर से, कि आप कुरान की कोई सूरत बताइए, या कितने जो है नफिल होते हैं, कितनी रकातें होती हैं नमाज में। तो सीमा हैदर का जवाब था कि मैं सब भूल गई, मतलब नेपाल से होते हुए, पाकिस्तान से इंडिया आते हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो इतने में इंसान कैसे ऐसे सब कुछ अपने मजहब की बातें भूल सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं भूल सकता, ये बिल्कुल छूट बात है। ये मैं ये भी तो कह रहा हूँ, ये तो बहुत गहरी साजिश नजर आ रही है। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी ने एजेंट ने, खुफिया एजेंसी ने किसी को तैयार किया, अपना एसेट तैयार किया और भारत में भेजने के लिए उसको यहाँ तरीके से भेज दिया। अब सीमा जो भी उसका नाम है, मुझे तो नाम में भी डाउट है, जो भी उनका नाम है, वो जो यहाँ पर आई हैं, तो वो जिस तरीके से आई हैं, आने के बाद वो नॉर्मल रह रही थी, उन्हें ना किसी पुलिस ने पकड़ा,
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पकड़ा, ना किसी और आईबी ने पकड़ा, ना एलआईयू ने पकड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा उसे। वो तो 11 मार्च से शायद या 14 मार्च से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारत में रह रही है बहुत आराम से, किसी ने नहीं पकड़ा उसे। वो तो एक गलती वहाँ से ये हुई कि उनके जहन में या उनके जो परिवार के लोग थे, जो लड़का सचिन बताया जा रहा है, उन्होंने ये प्रेशर करा कि भाई आप नागरिकता लीजिए। सीमा हैदर का कहना है कि वकील से बात की कि हमारी शादी करा दीजिए, कोर्ट मैरिज करा दीजिए, वकील ने जो है पुलिस को बता दिया, इस वजह से उन्हें अरेस्ट किया गया, फिलहाल बेल उनको मिल गई है। बेल क्यों मिल गई? हम ये तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को आपने भुला छोड़ दिया, आप जो है वो उनको एक मिसाल दे रहे हैं आप कि आप कोई भी आप बॉर्डर क्रॉस करके घुसपैठिया यहाँ घुसाएगा और हम उसका स्वागत करेंगे। बस वही उसको ये कह देना चाहिए कोई भी आ जाए, कोई हिंदू भी पाकिस्तान से यहाँ पर आके कहेगा कि मैं हिंदू होना चाहता हूँ तो ये इसको दोबारा हिंदू भी कर देंगे और दोबारा नागरिकता दे देंगे। ये तो बड़ा ख़तरनाक मैसेज है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक मैसेज है। हमें अब जितने भी आप जासूसी का अभी माधुरी का आपने देखा था, उसमें हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिए हैं कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए एजेंट बन गई पाकिस्तान की वो, और यहाँ से सारी जानकारी वहाँ भेज दी, तो ये तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल अच्छा ही बेहतर नहीं है। ये तो हमारी रक्षा के लिए हमारे से ये तो समझौते की बात हो जाएगी, हम सब अपनी देश की रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए हम समझौता नहीं कर सकते हैं। वो आंकड़े साफ बताते हैं कि मुसलमानों में कम शादियाँ होती हैं दूसरी, और दूसरी बरादरी में ज़्यादा होती हैं, ट्राइबल्स में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, हिंदुओं में भी होती हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, इससे हमारे कुछ होने वाला नहीं है इससे तो। और आप यूसीसी बनाएंगे अच्छा बना लीजिए, पहले हिंदुओं का एक यूसीसी बना के देख लीजिए, वहाँ मिथाक्षर है, वहाँ दयाभागा है, वहाँ साउथ में भांजी से शादी कर रहे हैं, वहाँ पर सबके अपने अपने रीति रिवाज है। वहाँ बाकी दूसरी जगहों पर तो नागालैंड ने भी कह दिया, नागालैंड के विधायकों ने कह दिया, अभी कहा है, कह रहे हैं कि आप लाके देखिए हालत ख़राब कर देंगे। 371 को कुछ छुपे दिखाए वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, जो लोग वहाँ पे गाय खाते हैं बीजेपी के लोग वही ये बात कह रहे हैं कि हम तो गाय भी खाएंगे और हमारे कल्चर को कोई छू नहीं सकता, हमारा उसका राइट है। वहाँ पे बहुत सी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर रखा है नॉर्थ ईस्ट की कि उनको उनको भी चार चार पाँच पाँच छः छः शादियों की इजाज़त दी जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है आज तक पेंडिंग है। तो बना ले पहले हिंदुओं का यूनिफॉर्म सिविल कोड बना ले, जब उसमें उनकी बातचीत आ जाएगी तो ठीक है, फिर आगे देखेंगे। ये थे AIMIM पार्टी के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद जी, जिससे हमने आपको रूबरू कराया, हमने उनसे जानकारी ली, उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी। बने रहिए हमारे साथ।